तो कैसे आप लोग, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NHB रिजल्ट 2024 के बारे में। तो जो आपका रिजल्ट है वो कब तक रिलीज कीजिएगा, एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहेगा, डाउनलोडिंग का प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है वीडियो में, तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना हो। तो सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो तरफ। दोस्तों बात करें, जो आपका एग्जाम है 23 दिसंबर को कंडक्ट किया गया था, रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी 4th वीक ऑफ जनवरी कह रहे हैं, तकरीबन अराउंड जो है 4th कह रहे हैं कि 4th वीक ऑफ जनवरी यानी 25 से 31 के आसपास कह रहे हैं। बाकी तो फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि 4th वीक में आने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। जनरली जो हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट है, जो न्यूज़ की सबसे बड़ी वेबसाइट है, उस पर जनरली जो रिजल्ट आते हैं वो या फिर एडमिट कार्ड वगैरह, वो जनरली मंथ जो रिजल्ट की बात करें तो फिलहाल रिजल्ट जो होते हैं जनरली वो उसके जो आर्टिकल्स आते हैं मंथ के मिड में आते हैं या मंथ के लास्ट वीक में। अब एग्जाम डेट से अराउंड तो फिलहाल ये है कि रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी अभी तो फिलहाल जनवरी के 4th वीक चल रहा है, तो फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि 4th वीक में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बाकी तो फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में भी रिलीज आता है, तो आप ऑथेंटिक के लिए ये आर्टिकल चेक कर लीजिएगा और पुराना आर्टिकल जरूर चेक कर लीजिएगा 2022 और 2021 के, उसमें एग्जाम डेट लिखी होगी और एग्जाम कब कंडक्ट किया गया था वो भी लिखी होगी, उसमें पूरा आर्टिकल मौजूद होगा वो। बाकी वो एक्सेस कर लीजिएगा 2022-21 डाल के गूगल पे सेशन डाल के, तो वो आर्टिकल आप देख पाएंगे। डाउन के लिए कैसे करना होगा रिजल्ट, जब ये साल का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको टैब मिलेगी, सेक्शन देखेगा, उसके अंदर रिकमेंड होगा, उसके अंदर आपको इंटरव्यू की जो लिस्ट होगी और बाकी उस पर क्लिक करेंगे तो मेरिट लिस्ट डाउन हो जाएगी, इस तरह चेक कर पाएंगे अपना रिजल्ट। थैंक यू।